आमरे, एक्सीडेंट ज़्यादा सीरियस नहीं है, एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें अपने जीप हॉस्पिटल ले चलते हैं। सर, गाड़ी चलाने वाले का भी कुछ पता नहीं चला। सर, हमने आसपास के इलाके में भी पूछताछ की, वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। क्या है वो? सर, लगता है उसी आदमी का पर्स है सर। क्या है इसमें? कुछ पैसे हैं और ये शायद उसका ड्राइविंग लाइसेंस। दिनेश कुमार श्रीवास्तव। शिंदे, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, हो सकता है ये ज़्यादा जख्मी ना हुआ हो और मदद के लिए आसपास गया हो, जैसे ही आता है तो मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। वैसे सर मुझे लगता है ऐसा हुआ नहीं होगा सर, एक्सीडेंट हुआ काफ़ी देर हो चुकी है, अगर ऐसा हुआ होता तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। फिर वो कहाँ गया होगा? चलो इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। आओ। छोड़कर कहाँ चले गए थे? कहीं तो नहीं? मैं तो तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया था, तुम्हें देने के लिए। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैं सड़क क्रॉस कर रहा था तो कार मुझसे टकरा गई, उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा। जब आंख खोली तो तुम मेरे सामने हो। दिनेश, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं तो मुझे कुछ ही याद नहीं है। रूपा, रूपा ये क्या है? जब मैं गया था तो ये घर सजा हुआ था, बहुत सारे मेहमान थे, कहाँ चले गए सब लोग? हाँ, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? रामू भी दिखाई नहीं दे रहा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है ना? मुझे कितने दिनों से होश नहीं था। दिनेश, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी ठहर सी गई थी, पर मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे, और अब तुम्हें इतना करीब पाके मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। दिनेश, क्या तुम सचमुच मेरे पास हो? हाँ रूपा, मैं तुम्हारे पास हूँ। आज पूरा एक महीना गुजर गया है मेरे पति को लापता हुए। आपका सिर्फ एक ही जवाब है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तलाश जारी है, ढूंढ रहे हैं। इंस्पेक्टर, मैं पूछती हूँ, आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मिसेस श्रीवास्तव, आपको क्या लगता है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है? आमरे, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने आपके पति को ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया है।
दिनेश श्रीवास्तव की फाइल लेकर के आऊं। जी सर। हम लोग कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? क्यों ना हम लोग शादी कर लें? तुम ठीक कह रहे हो दिनेश, अब हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। क्यों ना हम लोग अभी शादी कर लें? अभी? ऐसी कैसी शादी होगी, ना शादी का जोड़ा, ना गहने, ना पंडित। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा भी ले आता हूँ और पंडित का भी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम पहले भी गए थे और वापस आए ही नहीं। मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं हूं ना, मैं सारा इंतजाम करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। ये देखिए, ये पेपर कटिंग्स, ये देखिए, गुमशुदा की तलाश में, ये टेलीविजन पर भी दिखाया गया है, सारे पुलिस थानों को इन्फॉर्म कर दिया गया है, जगह जगह आपके पति की तस्वीरें लगा दी गई हैं और आप कहती हैं कि। तो आखिर वो मिल क्यों नहीं रहे? एक मामूली सा ही तो एक्सीडेंट था, आखिर कहाँ चले गए वो? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि उन्हें जमीन निकल गई, आसमान खा गया। कम से कम डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए थी। इंस्पेक्टर, वो मिले या ना मिले, लेकिन भगवान के लिए इस तरह की अशुभ बातें तो मत कीजिए। आखिर मेरा और मेरे बच्चों का सहारा है वो, और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ और वो एक दिन जरूर लौट आएंगे। चलो। सुनिए, देखिए, मैं खुद इतना परेशान हूं कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या कह गया, बट आई एम सॉरी, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, अब जल्दी से मेरे डैडी को ला दीजिए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, जब से डैडी गए हैं हमने कुछ तो खाया है, लेकिन मम्मी ने तो कुछ भी नहीं खाया है। मैं वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारे डैडी से तुम्हें नहीं मिलवा देता, चैन से नहीं बैठूं। सुनिए, इस मंदिर के वो पुजारी जी कहाँ हैं, बता सकते हैं आप मुझे? कहिए, क्या बात है? मैं ही इस मंदिर का पुजारी हूँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी सफ़ेद सी लंबी सी दाढ़ी थी, लंबे से बाल थे और काफ़ी। अच्छा, आप मेरे पिताजी की बात कर रहे हैं, कहाँ मिले थे आप? यही। कब? यही कोई महीना भर पहले। उन्होंने मेरी कुंडली भी बनाई थी और मेरी रूपा की शादी का मुहूर्त निकलवाया था। खैर, वो शादी तो किसी वजह से हो नहीं पाई, लेकिन। क्या बात कर रहे हैं आप जजमान, मेरे पिताजी को स्वर्गवास हुए पूरे 15 वर्ष बीत चुके हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उनसे। खैर, आप मेरा एक काम कीजिए, मेरी और रूपा की शादी का मुहूर्त निकलवा दीजिए और इस बार कुछ ऐसा योग्य निकालिएगा कि हम कभी एक दूसरे से जुदा ना हो। अमरे, एक मिनट। जी सर। अरे, तो वही दिनेश लगता है। क्या नाम तुम्हारा? दिनेश कुमार श्रीवास्तव। तुम्हारे पास लाइसेंस है उसका? यस यस सर। यस सर। हाँ वही है। आओ मेरे साथ। एक्सक्यूज मी दिनेश जी। दिनेश कुमार श्रीवास्तव। जी हाँ, मेरा ही नाम दिनेश कुमार श्रीवास्तव है। आपका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था जी, तो आप घर क्यों नहीं पहुंचे? मालूम है आपके बीवी बच्चे कितने परेशान हैं और उनसे ज्यादा परेशान है हम। कहाँ थे आप अब तक? आइए आइए आइए। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो जो कह रहे, दिनेश मैं ही हूँ और मेरा ही एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जिन बीवी बच्चों की आप बात कर रहे हैं वो दिनेश कुमार श्रीवास्तव मैं नहीं हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तो अब तक शादी तक नहीं की और वो शादी का ही मुहूर्त निकालने के लिए मैं पंडित जी के पास आया था। पूछिए इनसे। हाँ, अच्छा, तो कोई इश्क विश्क का चक्कर है? जी हाँ, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। क्या शादी करना आपकी निगाहों में जुर्म है? बिल्कुल नहीं, मगर हाँ, अगर आपकी पहले से बीवी है और दो दो बच्चे हैं तो कानूनी तौर पर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। आइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी जरूर हुई है, मैं तो इस दुनिया में रूपा के अलावा किसी को जानता तक नहीं हूँ। अच्छा, रूपा नाम है उसका जी।
आप मेरे साथ चलिए, पुलिस स्टेशन में फैसला होगा। आइए। चलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए। आप वो शादी का मुहूर्त जल्दी निकालिए, मैं वापस आता हूँ। बैठिए विजय। पूरे 3 घंटे हो गए हैं, मुझे यह भी नहीं बताया जा रहा कि मुझे यहां पर क्यों रोका गया है, मेरा जुर्म क्या है। बाहर रूपा परेशान हो रही होगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं घर से कह के भी नहीं आया हूं कि मैं कहां जा रहा हूं। मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। बैठो बैठो। मिसेस सरला श्रीवास्तव आ जाए तो सब क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ी देर की बात है। इंस्पेक्टर लो आ गए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरा सुहाग मुझे लौटा दिया। डैडी, अब हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। अरे अरे बस करो ये सब नाटक, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। इंस्पेक्टर, आपको क्या लगता है कि मैं इस औरत का पति हो सकता हूँ या इतनी बड़ी बच्ची का मैं बाप हो सकता हूँ? क्या आप नहीं देख रहे कि मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की है और ये कितनी बड़ी है? आमरे, जरा दिनेश को आईना दिखाना। क्या 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 दिखाना चाहते आप मुझे? आईना दिखाओ। क्या मतलब मेरे चेहरे से नहीं लग रहा कि मैं 20 साल का हूँ? मैं इस औरत का मैं पति लगता हूँ? अरे कम से कम इस औरत का पति भी तो 40 साल का होगा। हो सकता है कि मेरी शक्ल इसके पति से मिलती हो। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, मुझे लगता है एक्सीडेंट की वजह से इनके दिमाग पे सदमा पहुंचा है। इन्हें कोई असर नहीं हुआ है। इन्हें प्लीज डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर के पास ले चलिए इन्हें प्लीज। इस पत्र ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है कोई? अच्छा माना कि आप इन्हें नहीं पहचानते, लेकिन आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो आपको अच्छी तरह जानता हो। हाँ, आप चलिए मेरे साथ में हवेली चलिए, वहाँ सभी मुझे जानते हैं और वहाँ ये भी जानते हैं कि रूपा से मेरी शादी होने वाली है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कौन है रूपा। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, आइए। डैडी! अरे मैं तुम्हारा कोई डैडी वैडी नहीं हूँ। मम्मी, अरे तुझे तो इतना बुखार है। मैं जी, आप एक काम कीजिए, बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाइए और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके पति को जरूर वापस लेकर के आऊंगा। जरा हम भी तो देखें कि वो रूपा है कौन जिसने आपके पति को अपने रूप के जाल में फंसाकर बाकी सबको भुला दिया। आइए। हाँ चलिए। मम्मी, डैडी को क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उसके भाग जाएगा। रूपा, रूपा मैं आ गया। रूपा, दिनेश कहाँ चले गए थे तुम? कहीं नहीं, वो लोग मुझे जबरदस्ती लेके गए थे। कौन लोग? वो पुलिस वाले, वो कहते हैं कि मैं किसी और का पति हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। ठहरो, उधर मत जाओ। क्यों, क्या हुआ? बड़ी खतरनाक जगह है ये टूटी हुई हवेली। ये भूतिया हवेली है। आप कुछ जानते हैं हवेली के बारे में? लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं रूपा के अलावा किसी और औरत को नहीं जानता मैं। सच? हाँ हाँ रूपा। दिनेश, अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे पास रूपा, तुम्हारे पास। सच?
कभी कभार कोई चोर उचक्के इस तरफ आ निकलते हैं तो उनकी ऐसी दुर्गत होती है कि दोबारा इस तरफ आने का नाम नहीं लेते। अच्छा, रात में बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आती। कैसी आवाजें? किसी औरत की, कभी रोने की, कभी हंसने की। देखते हैं, चलो। मेरी मानो, मत जाओ, मत जाओ। हे भगवान, इनका क्या होगा, क्या होगा इनका? तुम लोग क्यों नहीं आते? चलो अंदर। रुको, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मिस्टर दिनेश। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही रूपा है। रूपा, यही वो इंस्पेक्टर साहब है जो मुझे जबरदस्ती लेके गए थे। ये कहते कि मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हें क्या बताओ ना कि मेरी शादी तो तुमसे होने वाली है। मिस्टर दिनेश, आप किससे बातें कर रहे हैं? ये रूपा से है, रूपा से। रूपा, तो बताओ ना तुम बोलो इन्हें कि तुम मेरी होने वाली पत्नी और मेरी शादी नहीं हुई है। हा? पर मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। पर साहब, ये रूपा है, आप नहीं देख रहे ना? ये रूपा है और मेरी शादी इससे होने वाली है। रूपा बोलो ना, तुम बोलते क्यों नहीं है? क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या 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 बात कर रहा हो आप? रूपा को देख नहीं सकते? रूपा तुम बताओ ना, तो बोलो ना, बोलो ना, मैं कौन हूँ? मैं ही तुम्हारा दिनेश हूँ और तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। मैं कहीं जाऊंगा, नहीं, मैं छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़िए मुझे, मुझे मुझे छोड़िए ना, मुझे मेरे को पता लग मत कीजिए, मुझे कहाँ लेके जा रहा है? मेरी बात तो सुनिए आप, अरे सुनिए ना मेरी बात, इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे को पता लग मत कीजिए, मुझे मत अलग कीजिए, मुझे मत अलग कीजिए, मुझे मत अलग कीजिए, मुझे छोड़ो, 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 रूपा, रूपा, छोड़ो मुझे। दिनेश, डॉक्टर, आई एम नॉर्मल, आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड आई हैव नथिंग इज रॉन्ग विद मी, नथिंग इज रॉन्ग विद मी। लेकिन ये तो कह रही है कि आप इनके पति हैं। झूठ बोल रही है ये। मैंने आपसे पहले कहा ना कि मैं इनका पति नहीं हूं, मैं इनका पति नहीं हूं। अब आप इनकी उम्र देखिए और मुझे देखिए, अब तक उम्र के 20 साल मैंने पूरे नहीं किए, तो इतने बड़े बच्चों का मैं बाप हो सकता हूं? कहिए आप। अरे अगर इनका पति कहीं खो गया तो उसे जाके ढूंढे, मुझे आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। अच्छा मिस्टर दिनेश, मुझे एक बात बताइए कि ये कौन सा सन चल रहा है? 1980। मिस्टर दिनेश, ये 1980 नहीं है, ये 2000 है। पागल हो गए आप लोग सब, पागल हो गए आप लोग। ये 1980 है, मुझे आप लोग मुझे जाने दीजिए। रुपा, इन्हें बताओ कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है। बताओ, ये लोग यकीन ही नहीं कर रहे मुझे कह रहे कि मैं इसका पति हूं। आओ ना, आओ, वहां की थोड़ी आओ ना। रुपा कहां है? रुपा यहां तो रुपा नहीं है। आओ ना रुपा, यहां तो फ्रेश रुपा, तुम कहां चले गए? रूपा, रूपा है उसका नाम। जी महाराज। वो तो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेतात्मा है। तेरा पति पूरी तरह से उसके बस में है, वो उसे ऐसे नहीं छोड़ेगी। अगर तू चिंता मत कर, ठहर जा कुछ पल। रूपा, रूपा तुम आ
रुकिए रूपा, रुकिए रुकिए। रूपा, तुम कहाँ से? रूपा, देखो ना इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी, मुझे यहाँ से हिलने भी नहीं दिया जा रहा। दिनेश, तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। रूपा, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम उनके सामने चुप क्यों रही? तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारा दिनेश हूँ? क्या करूँ दिनेश, मैं मजबूर हूँ, मैं उन्हें नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई ना। ये बात है तो बदनामी के डर के मारे तुम उन्हें नहीं बता सकी। हाँ। रूपा, हाँ। हम लोग आज ही शादी कर लेंगे। अनर्थ, घोर अनर्थ। अच्छा, अब यहाँ से चलते हैं वरना वो लोग फिर आ जाएंगे। हाँ, हम आज ही शादी कर लेंगे। हाँ, चलो। क्या हुआ महाराज? तू ये जल और ये पवित्र धागा ले जा, रूपा तेरे पति को ले जा रही है। इससे पहले कि वो तेरे पति को वहाँ ले जाए, तू वहाँ पहुँच जा। इस बार यदि तेरा पति उसके साथ चला गया तो वो फिर वापस नहीं लौटेगा। जा, जल्दी जा बेटी। जी बाबा, मेरे साथ चलो, अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हूँ ना, हमें मिलने से कोई नहीं रोकेगा। चलो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तू डर रहे हो? मैं हूँ ना। तो हम लोग आज ही घर पहुँच के शादी कर लेंगे, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। रूपा, रूपा, यही वो औरत है जो मुझे अपना पति समझती है। कौन से? मैं इसका पति नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं इसका पति। हाँ, मैं इसका पति नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं इसका पति। हाँ, यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं उस औरत ने तुम्हें किस बंधन से बांध रखा है। दिनेश, चाहते हुए भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। दिनेश, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तो फिर ये किसने बांध दिया ये? तो फिर मैं कैसे जाऊंगा यहाँ से? हमारी शादी कैसे होगी? कैसे होगी? दिनेश, हमारी शादी होगी, हमारी शादी जरूर होगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं जिसने हम दोनों को मिलने नहीं दिया।
उसे ये बंधन खोल नहीं होंगे, नहीं तो कौन हो तुम? मैं हूं रूपा। क्यों आई हो यहां? मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूं, मेरे दिनेश को मंत्रित बंधनों से मुक्त करो ताकि तुम उसे अपने बंधन में बांध सको। हाँ, उसने मुझसे मोहब्बत की है, उसने मुझसे शादी की है। मैं उसकी प्रेमिका हूं, मैं उनकी पत्नी हूं, वो मेरा होने वाला सुहाग है और वो 20 साल से मेरा सुहाग है। नहीं, वो सिर्फ मेरा है, 20 साल से वो मेरी मोहब्बत है, वो किसी का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम दिनेश के बंधन खोलती हो या नहीं? भगवान के लिए मुझ पे दया करो, छोड़ दो ने। तुम बंधन खोलती हो या नहीं? नहीं, मैं नहीं खोलूंगी, कभी नहीं खोलूंगी। तुम दिनेश के बंधन खोलती हो या नहीं? नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। तो ठीक है, मैं फिर आऊंगी। अगर आज रात तक दिनेश के बंधन नहीं खुले तो एक बात याद रखना, तुम्हें अपने बच्चों से बहुत प्यार है ना। पापा, पापा रक्षा करो, रक्षा करो हमारी। बुलाया है मुझे, क्या चाहते हो तुम? मैं एक साधु हूं, मुझे तुझसे भला क्या चाहिए? तो फिर मुझे यहां आने पर विवश क्यों किया? मुझसे सवाल मत कर, मेरे सवाल का जवाब दे। तूने क्यों एक सुहागन का सुहाग उससे छीन लिया? अब वो सुहागन मेरी शरण में आई है, तू क्यों उसके सुहाग के पीछे पड़ी है? मैं उसके सुहाग के पीछे नहीं पड़ी, बल्कि वो मेरे प्यार के पीछे पड़ी है। वो तेरा प्यार नहीं हो सकता, वो एक इंसान है। वो मेरा प्यार है और मैं उसी से शादी करूंगी, आज ही। ये असंभव है, एक मनुष्य और एक प्रेत आत्मा का विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विपरीत है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा और आज ही होगा। नादान मत बन, तू नहीं जानती, तू एक भोली भाली औरत के जीवन को बर्बाद कर रही है। उसकी बद्दुआ मत ले, उसका पति उसे लौटा दे। वो उसका पति नहीं है, मैंने उससे सबसे पहले प्यार किया था और उसने सबसे पहला वादा भी मुझे ही दिया था। कैसा वादा? शादी का वादा। कब किया था ये वादा? 20 साल पहले। वो मुझे बहुत प्यार करता था, मैं भी उसे बेइंतहा चाहती थी। मेरे पिताजी ने हम दोनों की शादी तय कर दी। शादी के दिन वो मेरे लिए तोहफा लेने बाजार गया
और वापस आया ही नहीं। दुल्हन के लिबास में मंडप में मैं उसका इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया। मेरे पिताजी ये अपमान सह ना पाए और वहीं उनकी मौत हो गई। और मैं क्या करती? मैं मंडप से उठ गई। मैं उसका इंतजार करती रही और अब जब वो मुझे मिला है तो तुम कह रहे हो मैं उसे छोड़ दूं? बाबा, मैंने अभी तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने मेरे रास्ते में इतनी रुकावटें डाली, फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। बाबा, मैं बुरी आत्मा नहीं हूं बाबा, पर अब अगर उसने दिनेश को कल तक आजाद नहीं किया तो मैं उसे अपनी क्रोध की ज्वाला में। नादान लड़की, ऐसी भूल मत करना, नहीं तो नहीं तो बाबा, मैं जानती हूं कि आप बहुत बड़े मांत्रिक हो। आप चाहो तो मुझे कैद करके मुझे भस्म भी कर सकते हो। बाबा, क्या ये इंसाफ होगा बाबा? हाँ, एक दुखियारी आत्मा को उसका अधिकार देने के बजाय उसे भस्म कर देना, क्या ये इंसाफ होगा बाबा? जवाब दीजिए बाबा, क्या ये इंसाफ होगा? कहिए बाबा, क्या ये इंसाफ होगा बाबा? क्या ये इंसाफ होगा? खोल दो। ये क्या कह रहे हैं आप? बंधन खोल दिए तो वो वहां से चले जाएंगे। जानता हूं, जानने के बाद भी आप मुझे कह रहे हैं बंधन खोल दो। बाबा, बंधन खोल दिए तो वो वापस रूपा के पास चले जाएंगे। मैं ये भी जानता हूं, और फिर भी आप, आखिर आपको क्या हो गया बाबा? वो बंधन तो आपने ही मुझे दिए थे ना। हाँ, दिए थे, और अब मैं ही उन्हें खोलने के लिए कह रहा हूं। ठीक है बाबा, मैं आपका आदेश तो नहीं टाल सकती। एक आपके सहारे से ही तो उम्मीद बंधी थी कि वो वापस लौट आएंगे, और अब आप भी। वैसे बाबा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी रूपा के साथ मिलकर मेरे पति को। वो तेरा पति नहीं है, वो रूपा का प्रेमी है। रूपा के प्रेमी को जाने दे, तुझे तेरा पति मिल जाएगा। लेकिन बाबा, आप। मैंने तुझे तेरा पति वापस लौटाने का वचन दिया था, तो मैंने रूपा को भी वचन दिया है कि उसका प्रेमी उसे वापस लौटा दूंगा। यदि मैं रूपा को दिया हुआ वचन निभा रहा हूं तो मेरा विश्वास कर कि मैं तुझे दिए हुए वचन से भी पीछे नहीं हटूंगा। समय बहुत कम है, जाने दे उसे, जाने दे, खोल दे बंधन, खोल दे बंधन, जाने दे उसे, जाने दे उसे, खोल दे बंधन, खोल दे।
आजाद कर लिया? क्यों? इसका मतलब तुम मान गए ना कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं? मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। थैंक्स, थैंक यू। आई एम सॉरी मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो। मैं भी क्या करता, मैं भी मजबूर था ना, जब सभी लोग मुझे यहां पर परेशान कर रहे थे तो। सुनो, मेरी शादी में जरूर आना। रूपा आज मेरी शादी है, तुम्हारे पति तुम्हें मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे पति तुम्हें जल्दी ही मिल जाए। अच्छा, जाता हूं। गुरुदेव, आपने दिनेश को छोड़ दिया। आपको मालूम है गुरुदेव, यदि आपके बनाए हुए माया जाल से रूपा निकल गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा गुरुदेव। जानता हूं। और दिनेश कभी वापस नहीं आएगा गुरुदेव। मैं ये भी जानता हूं। इन सभी बातों के मालूम होने के पश्चात भी आपने सरला से कहकर दिनेश को छुड़वा दिया। क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। यह सत्य है कि दिनेश सरला का पति है, लेकिन रूपा भी अपनी जगह पर सही है। मैं एक साधु हूं और न्याय करना मेरा धर्म है। मैं किसी एक के साथ नहीं हूं, मैं सत्य के साथ हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि अंत में सत्य की ही विजय होगी। सत्य कभी अकेला नहीं होता, सत्य के साथ परमात्मा होता है। रूपा, 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 मैं आ गया हूं। रूपा, रूपा, मैं आ गया हूं। देखो, अब मैं आजाद हूं। हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता रूपा, कोई नहीं रोक सकता। हम अब शादी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं अब। ए रूपा, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहां हो तुम रूपा? रूपा, रूपा, कहां हो? रूपा, 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 क्या कर दिया तुमने? ये क्या किया? ये देखो, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, देखो। तुमने आने में बहुत देर कर दी दिनेश। ए रूपा, रूपा, तुम्हारी रात देखते देखते मैं थक गई दिनेश। और जब तुम्हारे आने की कोई उम्मीद नहीं रही तो मैंने रूपा, रूपा नहीं, रूपा, रूपा नहीं, क्या क्या तुमने रूपा? नहीं, रूपा, तुम्हें बहुत प्यार करती है दिनेश। रूपा, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं जा रही हूँ दिनेश। मैं भी अपनी जान दे दूंगा, मैं भी जान दे दूंगा अपनी। हाँ, तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। तुम मैं चलूंगा। तुम मैं, मेरे लिए जहर पी लोगे? हाँ, मैं पी लूंगा। मैं जिंदा नहीं रह सकता। नहीं, तुम जिंदा रहोगे। तुम जिंदा रहोगे दिनेश? नहीं, रूपा, नहीं, मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? तो मेरी चिता को अग्नि कौन देगा?
मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? इसलिए तुम जिंदा रहोगे। इसलिए तुम जिंदा रहोगे दिनेश। लेकिन सुनो पा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? तुम्हें रहना होगा मेरे लिए। तुम्हें रहना होगा दिनेश, तुम मेरे लिए रहना होगा जिंदा। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम दिनेश। जाओ, चली जाओ। पर जाने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। हाँ, बोलो 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 बोलो। मेरी मांग में सिंदूर भर दो दिनेश। मुझे सुहागन बना दो। हाँ रूपा, चली जाओ। हाँ रूपा, हाँ हेलो मैं देखो, लेकिन तुम नहीं जाओगी। मत हो जाओ। हेलो, बस मैं सिंदूर हूँ। दिनेश, रूपा, चली जाओ, मत हो जाओ। दिनेश, रूपा, दिनेश, रूपा, दिनेश, मत हो जाओ। रूपा, रूपा, रूपा ना, रूपा ना। Sorry, मुझे देर हो गई। अरे आप लोगों ने खाना खाना शुरू नहीं किया? चलो 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 चलो, जल्दी 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 खाना खाओ, उसके बाद में हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। ओके, कम ऑन। पापा। यस बेटा। आप कहीं फिर तो नहीं चले जाएंगे? इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगा? वही रूपा के पास। रूपा? सलाह, रूपा कौन है?